नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं वीरी टीवी भारत। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के लगभग 4.5 साल बीत चुके हैं। ऐसे में रामपुर में अगर विकास की बात की जाए तो ज्यादातर विकास योगी सरकार के मंत्री बलदेव सिंह औलख की विधानसभा बिलासपुर में हुआ है। लेकिन विकास के इन दावों की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बीते दिन जब मंत्री बलदेव सिंह औलख एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे तो रास्ते में कीचड़ भरी सड़क से उनको गुजरना पड़ा। वहां उन्हें स्थानीय लोगों ने घेर लिया और उनकी गाड़ी रोककर उन्हें सड़क के खस्ता हाल दिखाने के लिए गाड़ी से उतारकर सड़क का मुआयना कराया, जिसके बाद शर्मिंदगी महसूस करते हुए राज्य मंत्री कार्यक्रम में पहुंचे और नगर पालिका ईओ की क्लास लगा दी। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख अपनी विधानसभा के स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र एक ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग प्लांट के उद्घाटन के लिए गए थे। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने मंच से बोलते हुए लापरवाह अधिकारियों को मोटी चमड़ी वाला कहकर संबोधित किया और अपना गुस्सा निकाला। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदर ने इस मामले में बताया कि ईओ नगर पालिका की कार्यक्षमता उचित नहीं है। पहले भी उनको लिखित रूप से और मौखिक रूप से वार्निंग दी जा चुकी है। अभी मेरे भाई कुछ खड़े थे, अब मैं मंच से तो नहीं बोल सकता, बहुत सारे नालायक आदमी है यहाँ पर कि जिनको कहने के बावजूद भी मोटी चमड़ी को असर नहीं होता है। तो मैंने अभी अपने डीएम साहब से भी बात करी है कि कई बार कहने के बावजूद भी उनके सिर पे जू नहीं रहती, पता नहीं उन्होंने बुद्धि अपनी इस तरह की बना ली है, मैं कह नहीं सकता। जितना हम लोग सब प्रयास करते हैं, डीएम से लेके एसडीएम से लेके मेरे समेत जितना हम लोग प्रयास करते हैं, ये उसको उतना ही धराशादी करने का काम करते हैं और मदद करने की बजाय उसको पीछे खींचने का काम करते हैं। मुझे अफसोस है इस मन से कहना पड़ रहा है, मुझे नहीं कहना चाहिए, पर फिर भी अब उसको भी हम देखेंगे, उसका भी कोई अंत होता है, मेरे ख्याल से अंत हो चुका है। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि पिछली बार हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी जी आए थे, इसका शिलान्यास करने आए थे, उसे लक्ष्मीगढ़ में आए थे, और इस टाइम को 2 महीने के टाइम के बीच में भी कुछ ये करा नहीं पाए, इसलिए दोबारा हमें ये बात कहनी पड़ रही। तो बहुत देखिए कितना प्रयास है, मैं जिलाधिकारी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, छोटी छोटी चीज़ को शासन तक पहुँचाने का काम करते हैं और खुद दिलचस्पी लेते हैं। अगर हमने को अभी किसी उसको कहा अच्छे काम को, तो उन्होंने एकदम संज्ञान में लेके उसको यहाँ तक शासन तक पहुँचाने का काम करते हैं कि जल्दी इसको मेरे रामपुर में किसी भी कोने पर, चाहे बिलासपुर, मैं तो बिलासपुर की बात करता हूँ, हालांकि पूरे प्रदेश की बात करते हैं, मगर कहीं भी किसी भी कोने में कुछ सरकार की तरफ से हो सकता है और ये कर सकते हैं, तो 1 मिनट नहीं लगाते, फाइल एक ही दिन में हम मंगवाते हैं, उसको शासन को भेजने का काम करते हैं। ऐसा होना चाहिए और हमें काम करना चाहिए। यहाँ के जो नगर पालिका के ईओ हैं, उनकी कार्यक्षमता उचित नहीं है। मैंने पहले भी उसको लिखित रूप से, मौखिक रूप से वार्निंग दी है। जब से मैं जनपद में आया हूँ तब से लगातार हमने बिलासपुर का भ्रमण किया है, तो बहुत उचित व्यवस्था यहाँ पे नहीं मिली है सर। यहाँ पर कई बार हमने उनको बताया, स्पेशली सीएससी में जो रोड आता है, उस रोड पे गर्भवती महिलाएं आते हैं, एक्सीडेंटल लोग आते हैं, बीमार लोग आते हैं, तो उसके लिए 3 बार बताने के बाद भी प्रस्ताव तैयार ना करना, कार्यकुशलता अच्छी नहीं होने का दोतक है। और साथ साथ प्रदेश सरकार की भी ये मंशा है और निर्देश है कि जितने भी हमारे अस्पताल हैं वो सब लोग लिंक रोड अच्छे होने चाहिए, तो वो खराब श्रेणी में है, कहने के बाद भी नहीं करना, तो ये लापरवाही का दोतक है, कड़ी कार्रवाई में इसमें करनी चाहिए। क्या क्या कार्रवाई की जाएगी? निश्चित रूप शासन को इसमें लिखेंगे अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए, और स्थानीय स्तर पर जो काम इन्होंने कराया उसकी जाँच भी मैंने प्रस्तावित की हुई है, जिसपे भी वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो उस पर भी हम लोग एक्शन लेंगे। रामपुर यूपी से बाबर खान की रिपोर्ट।